जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम गणित का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर मिश्रण यानी कि एलिगेशन को शुरू करेंगे और इस चैप्टर को दोस्तों मैंने 3 से 4 हिस्सों में ख़त्म करने का सोचा है। आज इसका पहला हिस्सा यानी कि पार्ट 1 है। इस हिस्से में हम मिश्रण का जो एलिगेशन मेथड होता है उसका कंसेप्ट समझेंगे और मिश्रण के एक विशेष प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण क्या है? कोई चीज़ है जिनको मिला दिया जाए, ठीक है, 2-3 अलग अलग प्रकार की, एक प्रकार की दाल है, दूसरे प्रकार की दाल है, तीसरे प्रकार की दाल है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक नया आपका वैरायटी बन जाएगी, उसको हम क्या कह देंगे कि मिश्रण है, इन तीनों को मिलाया गया है। कहीं पर दूध है और पानी है, दूध में पानी मिला दिया है तो ये क्या बन गया, दूध और पानी का एक मिश्रण बन गया। तो ये तो होता है हमारा मिश्रण। मिश्रण का हर सवाल औसत के आधार पर सॉल्व किया जा सकता है। जो मिश्रण होता है एक तरीके का क्या है, मिश्रण में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उनको हम औसत के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं और औसत से ही मिश्रण के सवालों को मूलतः हल किया जाता है। लेकिन इस लेक्चर में हम मिश्रण का एक तरीका होता है जिसको हम एलिगेशन मेथड बोलते हैं उसको सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये मेथड औसत से किस तरीके से ईजाद हुआ और फिर इस मेथड के क्या क्या अच्छे पहलू थे जिनकी वजह से इस मेथड ने और भी ऊंचाइयां पकड़ी और इस मेथड की मदद से हम कई कठिन सवालों को सरल तरीके से भी करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिख लिया है हमने यहाँ पे कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को 22 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण का मूल 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि एक आपकी वस्तु थी जिसकी रेट क्या चल रही थी, 15 रुपए पर केजी, और दूसरी की चल रही थी 22 रुपए पर केजी। हमने इसके कुछ केजी, हमने इसकी कुछ मात्रा, मान के चलो हमने इसकी एक्स मात्रा, एक्स किलो मात्रा इसकी बाई किलो मात्रा के साथ मिला दी तो हमको जो मात्रा मिली वो कितनी मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको एक्स प्लस बाई मात्रा मिल जाएगी, है ना, एक्स प्लस बाई किलो मात्रा मिल जाएगी और जो नई मात्रा मिली है उसका जो परिणामी मूल्य है वो कितना है, 20 रुपए पर केजी। 20 रुपए पर केजी, पहले 15 और 22 को मिलाया तो 20 रुपए पर केजी आया। अब हमको क्या निकालना है कि ये जो अनुपात था एक्स और बाई, ये इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी, हमको इनका अनुपात निकालना है कि इन दोनों मिश्रणों को हमने किस अनुपात में मिलाया, यानी कि हमको x अनुपात y निकालना है। x अनुपात y यानी कि x बटा y निकालना है, हमको ये निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए ये पहले प्रकार का मिश्रण है, ये दूसरे प्रकार का मिश्रण है, इन दोनों को मिला दिया तो ये तीसरे प्रकार का मिश्रण बना, यानी कि हमने दोनों मिश्रणों को मिलाया है तो क्यों ना इसको हम औसत के आधार पर निकाल लें। पहले वाले मिश्रण की औसत कीमत है 15 रुपए पर केजी, तो पूरे एक्स किलो की कीमत कितनी हो जाएगी बताइए, 15 में हम एक्स का गुणा कर देंगे तो पूरे एक्स किलो की कीमत हो जाएगी 15 × x इतने रुपए, और यहां पर टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 22 × y, और कुल कीमत में कुल मात्रा का भाग दे देंगे तो हमको परिणामी मिश्रण की औसत पता चल जाएगी। तो यहां पर कुल मात्रा कितनी है, x प्लस y, उसका भाग दे दिया। जब हमने x प्लस y का भाग दे दिया तो परिणामी जो मात्रा थी वो हमारी कितनी थी, 20 रुपए पर केजी, तो हमने यहां पे 20 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस y का पक्षांतर उधर कर देंगे तो यहां से हमको क्या, x बटे y निकालना है, तो 15x प्लस 22y बराबर 20 × x + y सॉल्व करेंगे तो कहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 15x + 22y बराबर 20x + 20y। अब हम क्या करेंगे, x x को एक तरफ ले आते हैं, y y को एक तरफ ले आते हैं, x को उस तरफ पहुंचा देते हैं, y को इस तरफ पहुंचा देते हैं, तो 22y - 20y बराबर 20x - 15x। और आगे करते हैं, बाई को कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 - 20 बराबर, एक्स को कॉमन ले लेते हो तो 20 - 15। अभी घटा नहीं देना है,
हम कुछ मेथड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं घटा रहे हैं। हमको x बटा बाई निकालना है, तो बाई को नीचे लाते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पहुँचा देते हैं। तो x बटा बाई कितना आ जाएगा हमारा, 22 माइनस 20 बटे 20 माइनस 15। ये आपका अनुपात आ जाएगा, यहाँ से जब आप इसको घटा दोगे तो कितना 2, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, आपका अनुपात आ जाएगा 2:5। अब ये अनुपात निकला कहाँ से, यहाँ से निकला ना, और इसी की मदद से एक नया मेथड इजाद किया गया जिसका नाम रखा गया एलिगेशन मेथड। देखिए जरा गौर से देखिएगा, ये 22 जो था ना, ये 22 क्या था, ये 22 था आपका मिश्रण, एक मात्र एक जगह थी आपकी, एक मिश्रण 22 का था, एक 15 का था, दोनों को मिलाया तो 20 का हुआ। तो 22 में से हमने क्या घटाया है, 20 को घटा दिया है, 20 आपका क्या था एवरेज, और फिर 20 में से 15 को घटा दिया, यानी कि हमने क्या है दोनों मिश्रणों का अंतर ले लिया है। पहले वाले मिश्रण का परिणामी मिश्रण से अंतर लिया और दूसरे वाले मिश्रण का भी परिणामी मिश्रण से अंतर लिया, और यही आपके क्या आ गए, अनुपात आ गए। तो इसी को किसी ने जब सोचा, उन्हें पता था कि हर बार इसी तरीके की कंडीशन आया करेगी, तो हम इतनी सारी कैलकुलेशन को बार बार क्यों किया करें जब हमें पता है कि फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का आना है कि बड़े वाले में से मिश्रण का जो फाइनल मिश्रण आया है उसका, उसको घटाना है, और जो छोटे वाला है उसको फाइनल मिश्रण में से घटा देना है। तो जब इस तरीके का मेथड बन रहा है तो क्यों ना हम इसको किसी और तरीके से लिखने लगें ताकि आगे की कैलकुलेशन ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखने लग गए। कैसे, उन्होंने कहा कि जो मिश्रण हम मिला रहे हैं, जैसे कि एक 15 का मिश्रण था और एक आपका 22 का मिश्रण था, इनको ऐसे लिख देंगे 15 और 22, और जिस मिश्रण, जो मिश्रण बन रहा है उसको बीच में लिख देंगे 20। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि देखो 22 में से 20 को घटाना है, और ये मान किसका आता है, अनुपात में ये x का आता है, और x ये है और y ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम y में से 20 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, और फिर यहाँ पर देखिए 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो आप 20 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यही आपका अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कितनी सारी कैलकुलेशन बच गई, बहुत सारी कैलकुलेशन बच गई। और जब इस मेथड पर और भी आगे काम किया गया तो बहुत और भी प्रकार की कैलकुलेशन बच रही थी। कैसे बच रही थी, देखिए ये अनुपात निकल के आ गया। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर टोटल कितने आपके अवयव होते हैं। एक तो ये है पहली वाले प्रकार की रेट, ये दूसरा वाला प्रकार मिश्रण का, मिश्रण को परिभाषित करने वाले ये कारक हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, और ये आपका संपूर्ण मिश्रण का, संपूर्ण मिश्रण को परिभाषित करने का एक कारक है, कुछ भी हो सकता है कि कहो दूध में परसेंटेज दे दें, या फिर दूध और पानी में, या फिर भिन्न दे दें दूध और पानी में कि इतना इतना हिस्सा है, जैसे यहाँ पर आपको रेट दे दी, कीमत दे दी, और ये आपका आता है अनुपात। तो ये तीन हो गए, 1, 2, 3, और अनुपात तो हमेशा साथ में ही रहेगा, 2:5, ये पूरा हमेशा साथ में ही रहेगा, तो ये एक अवयव हो गया। तो टोटल 4 एलिमेंट आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इन 4 एलिमेंट में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो उसको हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, ये 3 हमको दे दिए थे, 15, 22 और 20, तो हमने तुरंत अनुपात निकाल लिया। अब मान के चलिए कि इसी तरीके के सवाल में ऐसा आ जाए कि यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, और बीच का हमको मिश्रण पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अनुपात 5:7 है। तब हम ये बीच की मान कैसे निकालेंगे ये समझिए। देखो बीच का मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर कितना है 7, और यहाँ पर हम यूनिट का मान देखते हैं, यूनिट कितनी हो रही है, टोटल यूनिट कितनी हो रही है 7। तो ये जो 7 यूनिट है इसके बराबर में इसको कर देते हैं, यहाँ अगर 14 होगा तो 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ 7 ही था तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 7। अब हमको ये फिलर भरना है, कैसे भरेंगे, देखो आपका ये जो मिश्रण का की जो संख्या आती है वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगी, 15 से बड़ी आएगी और 22 से छोटी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 22 से बड़ी आ जाए या फिर 15 से छोटी आ जाए, हमेशा इन दोनों के बीच में ही आपका आएगा।
अब जब बीच में आएगा तो हमें पता है 15 से बड़ा आएगा, कितना बड़ा आएगा, जो 15 के तिरछे में लिखा है उतना बड़ा। तो ये कितना है 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर कितना है 1 यूनिट बराबर, सॉरी 1 यूनिट बराबर कितना है 1, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 5 जोड़ देंगे कितना आ गया 20। या तो इस तरफ से 20 निकाल लो या यहां से निकाल लो 22, 22 में 22 से कम आएगा, कितना कम आएगा, तिरछे में कौन लिखा है 2, 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 2 घटा देंगे 22 में से, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये हमारा मिश्रण का आ जाएगा 20। क्लियर है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यानी कि हमको दो चीज़ें समझ में आ गई कि जब हमको ये तीन अवयव दिए जाएंगे पहला दूसरा तीसरा तो हम अनुपात निकाल लेंगे, और जब हमको ये दिया जाएगा पहला दूसरा और ये अनुपात दिया जाएगा और मिश्रण निकालना होगा वो भी निकाल लेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो अनुपात आता है ये अनुपात हमेशा किस किस का आता है, ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी यहाँ पर ये जो अवयव लिखे होंगे इनकी कोई इकाई रहा करती होगी, जैसे मान के लिए के चलिए कि जो ये जो सवाल था यहाँ पर इकाई क्या थी, रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, ठीक है, यहाँ पर भी आपका रुपए पर केजी है। तो ये जो अनुपात आएगा ना, ये जो राशि दी रहती है उसके बटे में जो रहता है केजी केजी, यानी कि ये आपका मात्रा का अनुपात आएगा, किलो किलो का अनुपात आएगा, किलो और किलो का, यानी कि मात्राओं का अनुपात निकल के आएगा। बहुत सी बार बच्चे सोच लें कि उनको रुपए कितने रुपए खर्च हुए उसका अनुपात निकालना हो और वो इसी अनुपात को बोल दें, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये मात्राओं का अनुपात है। अगर मान के चलिए वहाँ पर इकाई के रूप में कुछ और लिखा रहता, इकाई के रूप में लिखा रहता आपका, लिखा रहता कि रुपए प्रति दर्जन, ये रेट है दी रहती रुपए प्रति दर्जन, और यहाँ पर भी रुपए प्रति दर्जन की, तो यहाँ पर हम घटाते तो ये क्या आता, ये जो आता हमारा, ये जो अनुपात आता, ये अनुपात आपका दर्जनों का आता, ये दर्जन यानी संख्याओं का। तो यहाँ पर ये जो अनुपात हमको मिला वो किसका मिला, संख्याओं के बीच का अनुपात मिला। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी एलिगेशन का सवाल लगाओ आपको पता होना चाहिए कि ये अनुपात है किन किन के बीच में आता है। ठीक, अब हम एक और आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, हम थोड़ी फ्रेमिंग सीख रहे हैं कि सवाल किस किस तरीके के आपके हो सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए यही सवाल था, एक की रेट पता थी 15, मिश्रण की रेट पता है 20, और यहाँ जो रेट है वो नहीं पता है, लेकिन अनुपात पता है हमें कि 2:5 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो अब हम यहाँ पर 2:5 ना करके कुछ और चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर लें थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर अनुपात की वैल्यू काफ़ी सरल है, तो हमने मान लिया 1:2 है। अब इस मिश्रण की हमको रेट बतानी है कि ये वाला मिश्रण की रेट क्या थी। तो देखो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें पता है कि ये देखो 15 से ज़्यादा होगा, 20 तो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 20 में से 15 घटाए होंगे तभी तो 15 आया, या 5 आ गया। अब ये 5 कितने के बराबर है, 2 यूनिट के, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो, तो 2 यूनिट बराबर 5 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2.5, 1 यूनिट बराबर 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 यूनिट, अब ये देखिए दूसरा जो मिश्रण होगा वो 20 से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, जो तिरछे में लिखा होता 1 लिखा है, 1 यूनिट ज़्यादा होगा, और 1 यूनिट बराबर कितना है 2.5, तो ये 2.5 ज़्यादा होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से समझ में नहीं आया, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये पहला वाला खांचा हमें नहीं दिया गया है, दूसरे वाले खांचे में दिया गया है कि 24 आ रहा है और यहाँ लिखा है 22, और ये 1:3 के अनुपात में है। अब यहाँ से हमको इस वाले खांचे में क्या भरा जाएगा ये निकालना, कि पहले प्रकार के मिश्रण की मात्रा की रेट हमें नहीं पता थी, तो हम क्या करेंगे, जिसकी पता है वहाँ से यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे, 24 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट बराबर आ गया 2। अब हमें पता है कि 22 में से, अब देखो ये 24 था तो ये 22 से छोटा होगा यहाँ पे, तो ठीक है, अब 22 में हम क्या घटा दें, ये 3 को घटाएंगे, और 3 बराबर कितना है आपका 6, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 22 में से 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16, ठीक है, तो इसकी रेट निकाल ली। आपको कुछ भी मिसिंग हो हमने देख लिया, अगर ये, अब देखो 4 चीज़ें थी, ये पहली नंबर की चीज़ थी, ये दूसरे नंबर की चीज़ थी, ये तीसरे नंबर की चीज़ थी, और ये आपकी चौथे नंबर की चीज़ थी। सबसे पहले हमने बाकी की 3 दी थी, चौथा ज्ञात करना था, निकालना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कुछ दिया था, तीसरा ज्ञात करना था, निकालना सीख गए, पहला
गायब है तो पहले को निकालना सीख गए, दूसरा गायब है तो दूसरे को निकालना सीख गए, यानी कि हम यहाँ पर चार प्रकार के सवाल हल करना सीख गए। क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भाषा में सवाल आएगा, आप उसे हल कर दिया करोगे। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं पहले टाइप के सवाल पर, जो कि मिश्रण के महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये देखिए पार्ट वन है हमारा आज के लेक्चर का, और यहाँ पर हम दो प्रकार के सवाल सीखेंगे कि जब दो विभिन्न दरों की वस्तु आपस में मिला दी जाए। तो हम पहले टाइप का सवाल सीखेंगे कि केवल मिलाया जाए, और दूसरे टाइप का सवाल होगा कि मिलाकर लाभ हानि पर बेच भी दिया जाए। तो चलिए हम पहला एक सवाल लेते हैं जो पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। 72 रुपये पर केजी किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 10 किलो दाल में मिलाए जाएं, जिससे निर्मित मिश्रण का मूल्य 78 रुपये पर केजी हो जाए। यहाँ देखो हमको क्या क्या दिया है, 72 दिया है पहले प्रकार का मिश्रण, 90 दिया है दूसरे प्रकार का मिश्रण, ठीक है, पर केजी यानी कि फिर यहाँ पर किलो का अनुपात दिया होगा। अब पहले अब देखो 72 किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलो चावल, हमें नहीं पता कितने किलो चावल है, लेकिन 90 रुपये किलोग्राम वाली 10 किलो दाल है, ठीक है, दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना रहे हैं, तो ये 10 किलो क्या है हमारी खिचड़ी, तो ये तो 10 केजी लिख दी हमने खिचड़ी यहाँ पे, यहाँ कितनी है ये नहीं पता, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मूल्य कितना है, 78, कितना है 78। अब हमको ये निकालना है कि ये जो थी 72 रुपये किलो वाली जो दाल थी, ये जो चावल थे, इसका कितना किलो हमको मिलाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया सवाल, यहाँ देखिए हम 90 से 78 की ओर जाएंगे तो 90 में से 78 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, और यहाँ क्या करेंगे 78 में से हम 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि 2:1, 12:6 यानी कि 2:1। अब एक बात बताओ, 6 यूनिट बराबर 10 किलो है तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 20 किलो हो जाएगा कि नहीं, यानी कि हमारा पहले प्रकार का मिश्रण हमको कितना चाहिए 20 किलो, यानी एलिगेशन मेथड कितना अच्छा है कि बस एक बार चित्र बनाया और आंसर लो, कितना क्लियर है। पीसी 2017 पुलिस कांस्टेबल 2017। अगला सवाल हम देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल वाला, कि 15 रुपये पर केजी एवं 20 रुपये पर केजी वाली दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल 16.5 किलो हो जाए। तो देखो पहला मिश्रण कितना था 15, हमने यहाँ पे 15 लिख लिया, दूसरा मिश्रण कितना था 20, हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। अब हमारा जो टोटल मिश्रण था वो 16.5 है, तो ये हमने 16.5 लिख लिया। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यहाँ पर बड़ा कौन है, और तिरछे में लिखते जाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तिरछे में लिखते जाएंगे, तो 20 में से 16.5 को घटाया तो कितना आया 3.5 आया, और 15 में से हमने 16.5 को घटाया तो कितना आया 16.5 में से 15 को घटाया तो कितना 1.5 आया। अब देखिए जब भी ये दशमलव में आया करें अनुपात, ये आ गए आपस में अनुपात, तो ये दशमलव में अनुपात है, हमको सरल अनुपात बताना है, 2 का गुणा कर दोगे दोनों में तो हमारा सरल हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ 2 का गुणा किया तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार के सवाल पर। अब ये जो तीसरे प्रकार का सवाल है ये आपका पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा जा रहा है इस तरीके का। आप देखिए पढ़ेंगे सवाल को क्या है, 126 किलोग्राम पर केजी और 135 किलोग्राम पर केजी एवं एक अन्य प्रकार की चाय को क्रमशः 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि मिश्रण की कीमत 153 रुपये पर केजी है तो तीसरे प्रकार की चाय की कीमत बताइए। अब देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको जब भी करा रहा था हमेशा औसत के तरीके से कराता था, क्यों कराता था, क्योंकि मुझे पता है कि एलिगेशन यहाँ पर लगा पाना हर भोले बच्चे का काम नहीं हो पाएगा, हर भोला बच्चा यहाँ पर एलिगेशन नहीं लगा पाएगा एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं आपको तीन मेथड बता देता हूँ, एक तो मैं एलिगेशन मेथड बता दूंगा, दूसरा मैं औसत वाला मेथड बता दूंगा, और तीसरा मैं औसत वाले मेथड में ही स्मार्ट अप्रोच और बता दूंगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम औसत वाला मेथड ही देख लेते हैं, हमें पता है हर मिश्रण का सवाल औसत से हल हो जाता है, अभी तक हमने जो सवाल किए थे उसमें केवल 2 ही चीज़ें मिलाई जा रही थी, यहाँ 3 चीज़ें मिला दी गई हैं। ये देखिए पहली चीज़ 126 रुपये पर केजी की है, 126 रुपये रेट है, दूसरे की रेट क्या है, दूसरे की रेट है 135 रुपये पर केजी, तीसरे की रेट हमने पता नहीं है तो 100 रुपये पर केजी मान ली, तीनों की रेट है लिख ली हमने।
अब हमें पता है ये एक अनुपात दो के अनुपात में इनको मिलाया, इसका मतलब क्या है, पहले वाले का एक किलो मिलाया, दूसरे वाले का एक किलो मिलाया और तीसरे वाले का दो किलो मिलाया। जब हम इन तीनों को मिला लेंगे, इसका एक किलो कितने का आ जाएगा, 126 रुपए का, इसका एक किलो कितने का आ जाएगा, 135 का, और x रुपए पर केजी वाले का एक किलो कितना का आ जाएगा, 2x का आ जाएगा। अब इन तीनों का औसत निकालना, तो हमें पता है तीनों की कुल रेट बटे टोटल कितना वजन है, तो एक किलो दो किलो यानी चार। बहुत से बोले बच्चे यहाँ तीन का भाग लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि तीन ही तो हैं हमारी दालें, ये तीन ही तो है हमारी चाय, तीन प्रकार की, तो तीन का भाग दे देंगे। नहीं, जितने किलो आपकी चाय होंगी उतने किलो का भाग देंगे। अब ये कितने के बराबर आ रहा है हमारा, 153 के बराबर आ रहा है, क्योंकि उनने बोला ये कितने के बराबर है, 153 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, 126 और 135 को जोड़ेंगे, यहाँ 2x लिखेंगे और यहाँ 4 का 153 में गुणा करेंगे। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों को जोड़ के वहाँ पे घटा देंगे, x का मान आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 612 माइनस 126 माइनस 135, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 612 माइनस 126 माइनस 135 बटे 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, क्या होगा आपका उत्तर, 175.5 रुपये पर केजी आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसी अप्रोच में मैं थोड़ा सा एडवांस अप्रोच आपको बता दूं, क्या अप्रोच होती है, औसत के ही ऐसे सवाल जहां पर कठिन कैलकुलेशन आ जाए। हमें पता है 126 रुपये पर केजी, 135 रुपये पर केजी और आपका एक्स रुपये पर केजी वाले, ये जो तीन मिश्रण हैं ये एक अनुपात दो में बटे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, जब ये एक अनुपात दो में बटे हुए हैं तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि इन तीनों का औसत कितना है, इन तीनों का औसत है 153। तो ये जो संख्या होंगी ये 153 से इधर उधर नहीं जाएंगी, ठीक है, 153 से ये इधर उधर नहीं जाएंगी। इसका जो डेविएशन होगा वो हमेशा, डेविएशन का जोड़ कितना होगा, जीरो होगा। डेविएशन क्या होता है पहले ये मैं आपको बता दूँ कि 153 से कितना विचलित हुआ मान, 153 से यहाँ पर कम हुआ, कितना कम हुआ, 126 हो गया, यानी कि 153 से कितना कम हुआ, आप जोड़ोगे 27 रुपए कम हुआ 153 से, तो यहाँ कम हुआ है तो हम माइनस का 27 लिख देंगे, और कितने किलो थे, कितने किलो थे, एक किलो, यानी कि माइनस का 27 कम हुआ। यहाँ देखेंगे 135 हो रहा है, तो 135 कितना कम है बताओ, 135 कितना कम है, 15 कम है आपका, एक तो 15 और 3 यानी कि 18 कम है, माइनस 18। अब ये जो -27 और -18, देखो यहाँ एक था, एक का गुणा और कर देंगे, यहाँ अगर दो होता तो -18 गुणा दो -36 लिख देते, तो ये -27 -18 हुआ। अब यहाँ पर ये वाला मान क्या होगा, इसको निश्चित तौर पर इन दोनों के जोड़ के बराबर आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए आपका, तो ये माइनस का आ गया, ये माइनस का आ गया, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आनी चाहिए, कितनी प्लस की वैल्यू आनी चाहिए, 27 और 18 को जोड़ देंगे उतनी, तो 27 और 18 को जोड़ोगे कितना आएगा, ये 7, 8, 15 हासिल लगी 1, 45, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 45। 45 कहाँ से आया, 2 किलो से, तो 1 किलो से कितना आएगा आपका, 45 बटा 2 यानी कि 22.5, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी x वाली, ये 155 से कितने ज़्यादा हैं, 22.5 ज़्यादा हैं 155 से, तो हम क्या करेंगे, 153 से 22.5 ज़्यादा है, तो 153 में हम 22.5 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 175.5। क्लियर है, तो ये तो हो गया दूसरा मेथड, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये तीन चीज़ें जब आ जाती हैं तब क्या हम हमेशा औसत ही लगाएं, क्या हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, तो मैं आपको बता दूं कि आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन वाला मेथड भी मैं आपको समझा देता हूं। हमें पता है कि पहले प्रकार की क्या है, 126 रेट है, दूसरे की 135 रेट है, तीसरे की एक्स रेट है, हमें नहीं पता, ये एक अनुपात दो में मिली है, तो क्यों ना हम पहले जिन दो की रेट दी है उनका एलिगेशन कर लेते हैं, उनको एलिगेशन मेथड से उनका मिश्रण का रेट निकाल लेते हैं। तो इनकी मिश्रण की रेट निकालेंगे, कैसे निकल के आएगी, दोनों बराबर अनुपात में है तो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी, दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दो, नहीं लगाना तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ 126 यहाँ 135 और बीच का मान निकालना है 1:1।
अब एक अनुपात एक है तो ये इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 और 3, 4 और 5, 9। तो 9 में हम क्या करेंगे, 2 का लगा देंगे भाग, 9/2, तो ये 9 इससे 9/2 यानी 4.5 ज़्यादा होगी, तो 4.5 कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 130.5। तो हमें क्या पता चल गया कि इन दोनों मिश्रणों का जो औसत मान है वो कितना आ जाएगा, 130.5। अब यहाँ मैं दूसरे पन्ने पे ले लूँ, काफ़ी गुचुर मुचुर वहीं पे हो रही है। हमने देख लिया कि एक अनुपात दो में था, तो पहले तो हमने इन दोनों का अनुपात निकाला, इन दोनों की एक रेट निकाली, कितनी रेट निकल के आई, 130.5, ठीक है। और अब मात्रा कितनी हो गई, पहले इसका 1 किलो और इसका 1 किलो, तो मात्रा हो गई 2 किलो। अब हमें क्या है, कौन से मिश्रण मिलाने, 101 तो ये वाला मिश्रण मिलाना है 130.5 वाला, और एक मिश्रण मिलाना है मुझे x रुपए पर केजी वाला, जिसका मान निकालना है। और इन दोनों की मात्रा, ये 2 किलो इसका 2 किलो, यानी कि इन दोनों का अनुपात भी क्या आ गया, 2:2, यानी कि सरल कर दोगे तो 1:1 हो गया। अब हमें निकालना है कि फाइनल मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें यहाँ पर हमें फाइनल मिश्रण की मात्रा भी नहीं निकालनी, फाइनल मिश्रण की मात्रा सवाल में दी है 153 रुपए पर केजी दी गई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 153 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 153 आपका 130.5 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे कि ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, 153 में से 130.5 घटाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5, यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 2, 22.5 कम है, तो यहाँ पर ये x जो होगा वो 153 से ज़्यादा होगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना आया, 22.5, तो ये कितना ज़्यादा होगा, 22.5, तो 153 में 22.5 को जोड़ेगे तो कितना आ जाएगा, 175.5, तो हमारा ये जो दूसरे प्रकार का मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, 175.5। तो एक ही सवाल के 3 मेथड मैंने आपको समझा दिए, आपका जो मन हो उस मेथड को यूज़ करना। अगर आप एलिगेशन में परफेक्ट हैं तो आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर गलती के चांसेस कहाँ होंगे, मात्रा ध्यान भूल जाया करेंगे आपकी, कितनी कितनी मात्रा हो गई, जैसे यहाँ इन दोनों की एक एक मात्रा थी, तो बाद में जो फाइनल मिश्रण होगा उसमें इसकी मात्रा 2 हो जाएगी, दोनों को जोड़ा है ना मिश्रण में हमने, तो 2:2 यानी फिर 1:1 हो गया। ये चीज़ समझने की बात थी। डेविएशन वाला मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है, यहाँ से कठिन कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती हैं। अगर आप इन दोनों में गलतियाँ करते हों तो अभी पेपर में आप यही वाला मेथड यूज़ करना, और अगर भविष्य की तैयारी के लिए इन दोनों मेथड को पर पकड़ बनाना अपनी, ठीक। बढ़ते हैं आगे, अब हम दूसरे प्रकार के सवालों पर आ जाते हैं, जो सवाल ये कहते हैं कि हम मिश्रणों को तो मिलाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो हम उनको फिर बेचेंगे भी और उस पर लाभ और हानि भी कमाएंगे। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि एक दुकानदार ने 2 चावलों को क्रमशः 35 रुपये पर केजी और 28 रुपये पर केजी की दर से खरीदा है। यदि वह इस मिश्रण को 36 रुपये पर केजी की दर से बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। मिश्रण का अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावलों को मिलाया गया, ये MPSI 2017 में पूछा गया। देखो सवाल क्या कह रहा है, दो प्रकार के चावल, एक तो 35 रुपये वाली रेट के हैं, एक 28 रुपये वाली रेट के हैं, इनको मिलाया तो मिश्रण की रेट क्या आई, अभी हमें पता नहीं है। बहुत से बोले बच्चे हैं मिश्रण की रेट 36 समझ लेंगे, लेकिन 36 नहीं है, 36 रुपये में जब हमने बेचा है, 36 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ मिल रहा है। तो हमें क्या है, हमें ये निकालना है कि वास्तव में इसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसी को तो हम इस खांचे में लिख पाएंगे। तो पहला काम ऐसे सवालों में ये बन जाता है कि पहले हम क्रय मूल्य निकालें। तो 36 रुपये में बेच रहे हैं तब हमको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 36 रुपये बराबर 120%, 100% तो क्रय मूल्य था, 20% का लाभ। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आपको 100% निकालना है, यहाँ से आप क्या करोगे, 12 का भाग दे दोगे एक बार तो 10% निकल आएगा, 10% बराबर कितना, 3 रुपये निकल आया। आपको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% बराबर 10 का गुणा किया इधर तो 10 का यहाँ तो 30 रुपये। तो हमारा अब मिश्रण का मूल्य हमें पता चल गया 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये घटा देंगे, ये हमारा क्या आ गया 5, और ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया कितना 2। तो इन दोनों प्रकार के मिश्रण का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा तब हमको 20% का लाभ 36 रुपये में बेचकर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये MPSI के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें हानि हो रही हो, तो हानि वाला सवाल करते हैं कि 25 रुपये पर केजी
और 30 रुपये पर केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये पर केजी में बेची जाएं कि 25% की हानि हो। सबसे पहले तो ये जो रेट है ये लाभ या हानि के बाद की रेट है, पहले इसको असली रेट यानी क्रय मूल्य में चेंज कर लेते हैं ताकि मिश्रण की असली रेट मिल जाए हमको। ये जो 21 रुपये है ना पर केजी, ये इसमें 25% की हानि हो रही है, यानी कि वास्तव में ये कितना है 75% ही है। 25% की हानि यानी कि 75% रह गया। अब यहाँ से हमको 100% निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है 75% में 3-3 का भाग लगा दो दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा 25% बराबर 7 आ जाएगा। तो अब 4 का गुणा कर दो दोनों तरफ तो ये 100% हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, यहाँ 4 का करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 28 आ गया। ये तो कैलकुलेशन करने का मेरा तरीका था, आप लोग इसको रटिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते कैलकुलेशन तो डायरेक्ट कीजिए। आपको पता है कि 75% बराबर 21 रुपये, तो 1% बराबर कितना होगा 21/75, तो 100% बराबर कितना होगा 21/75 गुणा 100। अब यहाँ पे काट देंगे, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 3 से इसको, तो ये कितना 28। यहाँ से भी आप 28 इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम जैसे 28 निकाल लिया हमने क्या निकाल लिया, मिश्रण की असली रेट निकाल ली 28। अब हम यहाँ लिखेंगे पहला प्रकार का मिश्रण 25 का है, ये 30 का है और ये 28 का है। अब घटा देंगे, ये कितना आ रहा है ये 3 और यहाँ से कितना आ रहा है 2। तो हमारा ये जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 2:3। उम्मीद है कि ये सवाल आपको सभी समझ में आ गए। यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया, एक तो मिश्रण का बेसिक कंसेप्ट जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण था, ये बेसिक कंसेप्ट पता है तो बाकी सारी चीज़ें करते जाओगे। और इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि अगर मिश्रण को मिला दें तो वो सवाल कैसे करेंगे और अगर लाभ हानि हो रही होगी तो वो सवाल कैसे करेंगे। यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अनुपात निकलता है ये किसका अनुपात निकलता है, ये बात भी आपने समझ ली है। और इस बात पर बहुत ही बहुत अच्छे अच्छे बेसिक सवाल आते हैं और अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे इसको गलती कर जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता रहता कि ये अनुपात किन किन के बीच में निकल रहा है। और आपको पता है कि अनुपात किन किन के बीच में निकल रहा है, ये भी अच्छी बात है। इन 4 अवयवों में से कोई भी मिसिंग हो, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 1, 2, 3 और 4 अवयवों में से कोई भी मिसिंग हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने सीख लिया। अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मिश्रण के प्रश्न देखे जाएं सबसे ज़्यादा पोर्शन जो पूछा जाता है वो उसी प्रकार के प्रश्न का पूछा जाता है। तो अगले लेक्चर की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद में, इस लेक्चर के 3 या 4 घंटे बाद मैं अगले लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।